हेलो जी, वेलकम बैक टू आईटी स्टक। मेरा नाम अमित भगत और आज बहुत गर्मी है तो हम ये खुला रहे हैं। तब तक ये खुलता है, आप हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का पार्ट टू देखें, एंजॉय करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। एंड सी यू इन द वीडियो। आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो पार्ट टू है। पहला पार्ट के लिए आप यहाँ देखें। पार्ट टू में हम और शॉर्टकट्स की बात करेंगे जिससे आप अपने जो है सीक्वेंस की एडिटिंग टाइम को बहुत कम से कम और किस तरह कर सकते हैं। बेसिकली शॉर्टकट सीरीज का मकसद यह है कि आपके एडिट की जो आपके टाइम लगता है, घंटों का टाइम लगता है, उसको जितना कम से कम हो सके आप कम से कम करें। शॉर्टकट का मकसद ये होता है कि आप जो है आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपके एडिट पे रहे, ना कि आप एडिट पहले एडिट करो फिर आप नीचे देखें, की प्रेस करनी फिर आप ऊपर देखें, फिर आप माउस शिफ्ट करें, फिर आप बटन प्रेस करें, फिर आप वापस एडिट से बाहर निकलें, फिर आप घूमते रहेंगे। शॉर्टकट का मकसद ये होता है कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि आपका दिमाग में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके एडिट पे रहे, आपके दिमाग में आपकी जो टाइम लाइन बनी हुई हो वो आप उसको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रीमियर थिंग। ऑलराइट, लास्ट जो वीक हमने सीखा था वो था क्यू डब्ल्यू जूम इन एंड जूम आउट एट वन एंड टू। वही टाइमलाइन हमारे सामने आज मौजूद है। जो मैं जिस तरह मैं सॉर्टिंग करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि जब मैंने चीज़ों को सॉर्ट कर लिया, जैसा मैंने लास्ट टाइम देखा था क्यू डब्ल्यू से हमने क्यू से एडिट कर लिया, तो मैं इसको माउस से मैनुअली ऊपर कर रहा था। अब इसमें आप देखेंगे तो मेरा जो प्ले है, जो माउस है, उसको आगे करके फिर मुझे इसको माउस नीचे लेके ऊपर, ये मैंने कट किया और मैं इसको फिर से ऊपर लेकर गया। मैं फिर अपना माउस ऊपर लेके गया, मैंने कट किया, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसके नीचे लेके गया माउस कर्सर को, इस फुटेज को ऊपर लेके गया और मैं फिर उसको आगे लेके जा रहा हूँ। माउस को यहाँ से यहाँ हिलाना में भी टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, तो वो कैसे कर दें कि आपका टाइम यहाँ भी वेस्ट ना हो। आपने क्यू दबाया, आपने क्यू दबाया एडिट से और आपने वन टू के साथ साथ आपका हाथ देखे यहीं पर है अभी तक आपने, जैसे मैंने, मेरे पास शॉर्टकट है थ्री, मैंने थ्री प्रेस किया, आपका जो है वो आपकी फुटेज जो है ऊपर चली गई। आप देखते हैं क्यू क्यू थ्री, ये फुटेज मैंने ऊपर कर ली। अब इसको कहते हैं नजिंग अप। एडिट में जाएं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाएं, यहाँ पर आप लिखें नज, ये नज क्लिप सिलेक्शन अप थ्री, ये पे ऑल्ट अप। देखो ऑल्ट अप में ये होगा कि आपका हाथ, एक हाथ ऑल्ट और अप, दो हाथ का इस्तेमाल हो रहे हैं। और थ्री में क्या है, आपका सिर्फ आपका एक ही फिंगर आपका इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ से आसान आपको हो जाएगा। तो क्यू क्यू और थ्री, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, सपोज कि आपकी टाइमलाइन पूरी सॉर्टेड हो चुकी है और अब आपको जो है उसको आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कट्स में जाना है, तो आपको अगर देखने, अच्छा ये क्लिप है, ये क्लिप है, ये क्लिप है, इसका एक शॉर्टकट मैंने बनाया है डी, जो कि आपको हर नेक्स्ट, देखें आप नेक्स्ट एडिट पे जा रहे हैं, अप एंड डाउन एरो की भी है इसका शॉर्टकट, बट वही बात, आपका आपका हाथ माउस से हट रहा है, तो डी डी से आप आगे जाएंगे और एस से आप पीछे जाएंगे, डी आगे एस पीछे। इसका शॉर्टकट हम देखते हैं, एडिट प्रेफरेंस, सॉरी एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट नेक्स्ट एडिट, गो टू नेक्स्ट एडिट पॉइंट डी, या पे डाउन एरो की और इसी तरह गो टू प्रीवियस एडिट पॉइंट, प्रीवियस सर्च करते हैं एस और अप एरो की, ठीक है। ये हो गए हमारी तीन कीज। इसके अलावा एक और की जो है हम देखते हैं वो है ए। अब ए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी कभी आपको जब हम बड़े एडिट पे काम कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज पे या इवन एक सेक्शन पे काम कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि यार इस सेक्शन में यहाँ पे पहले क्लिप लगानी चाहिए फिर बाकी क्लिप आए, तो हम क्या करते हैं कि पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, जितना भी वो पूरा टाइमलाइन में होता है इन सबको आगे लेके जाते हैं और फिर अपनी क्लिप को हम यहाँ प्लेस करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी क्लिप सेलेक्ट करें। ए से क्या होता है आपका, ए से आपका होता है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड, मतलब मैंने ए प्रेस किया, अब इस डबल एरोस का कि जितना भी सामान है टाइमलाइन वो सेलेक्ट कर लेगा और आप उसको साथ साथ उसको आगे मूव कर सकते हैं।
आपको टूल चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं, आपने क्लिक दबाए और आप उसको आगे ले जा सकते हैं। और वही चीज़ अगर आपको पीछे की करनी है तो आप शिफ्ट ए करेंगे तो चीज़ आपके पीछे की सेलेक्ट हुई और आप उसको आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। अब ये चीज़ इस्तेमाल कहाँ करनी है, आप नॉर्मल जब आपके एडिट हो रहे हो आप ये चीज़ इस्तेमाल कहाँ करनी है, आपको आपके आगे की चीज़ें मूव फॉरवर्ड करनी है, आपको आपके पीछे की चीज़ें थोड़ी आगे पीछे करनी है, आपको नहीं चाह रहा कि आपका पूरा सीन डिस्टर्ब हो, बिकॉज ज़्यादातर आप अपने सीन में म्यूजिक ऑडियो और तमाम चीज़ें लगा चुके होते हैं तो आपको बिल्कुल प्रिसीजन देखना पड़ता है कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल हमारा, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको पिछला ट्यूटोरियल देखते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस आगे चलती जाए। इसके अलावा कुछ अगर आपके पास सवालात हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे फेसबुक कम्युनिटी पेज में जाएं और वहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने वीडियोज़ पोस्ट करें, आई बी मोर देन हैप्पी टू सी योर स्टफ। और वो वाटर जो है टब बहुत हवा भरनी पड़ी तो थोड़ी देर बाद, आई थिंक रोजे के बाद। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।